going to tell me if you're clean or dirty. Do you think you're clean or dirty? Clean. Okay, let's do the test. Ready? All right. Let's see. Are we... We're clean! Well done! Okay. Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are absolutely fine, beautiful and healthy like always. और आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपने गार्डन से और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कितने अच्छे अच्छे प्रिटी फ्लावर्स आ गए हैं. लुक एट दिस, सो प्रिटी. एंड दिस लेवेंडर, इनको अगर आप पानी में डाल के माइक्रोवेव भी कर लो ना 2 मिनट एंड देन जस्ट पुट इट ऑन अ बेंच टॉप, तो पूरे घर में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस हो जाती है. तब आज का सीन ऐसा है कि मुझे बहुत सारे काम थे पर मैंने कहा एक बार व्लॉग शुरू कर देती हूँ. सबसे पहला काम, मतलब आज कुछ वर्किंग वाले काम नहीं है, आज कुछ पर्सनल काम है. ऐसे मुझे एक फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने जाना है, उसके पहले मैं सोच रही हूँ थोड़े से प्रोटीन बॉल्स बना लूँ और क्विकली आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँ. और व्लॉग आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती रहेगी, तो पहले ज़रा आप प्लीज़ पॉज इट फॉर अ सेकेंड. सबसे पहले आप कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप ये पूरा व्लॉग अच्छे से इंजॉय करके देख सको. सो आ जाओ, चलते हैं अंदर और बनाते हैं प्रोटीन बॉल्स. और मैं पहले बता दूं, प्रोटीन बॉल्स होने वाला है शुगर फ्री, तो मतलब उसमें मैं शुगर नहीं ऐड करने वाली. आल यूज़ जो भी यूज़ करूँगी, अब दिखाती हूँ ना आपको. सो प्रोटीन बॉल्स के लिए आपको ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, बहुत जल्दी बन जाते हैं और इट्स नो बेक डिश. सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ माय प्रोटीन पाउडर एंड इट्स अ प्लांट बेस्ड प्योर वेजिटेरियन प्रोटीन पाउडर. न्यूजेस्ट अल्टीमेट प्रोटीन पाउडर है, लव इट. सम डेट्स, पीटेड डेट्स, और मैंने इसमें फिग भी डाला था, अंजीर अपना. तो 4 लिए हैं मैंने डेट्स और 3 लिए हैं मैंने फिग. सम आलमंड्स, कैशूज एंड वॉलनट यहाँ पे मिक्स है एंड आई थिंक आई एम गोना यूज मोर आलमंड्स. और अब ड्राई फ्रूट्स के बाद चलते हैं पीनट बटर. सो इट्स ऑर्गेनिक पीनट बटर. सम कोको पाउडर, सिनेमन एंड आई थिंक आई एम गोना यूज सम श्रेडेड कोकोनट, जो यहाँ पे है नहीं बट वो लेटर ऑन जरूरत पड़ेगी. और चाहिए थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो ऑलमोस्ट फिनिश होने आया है बट मुझे इतने की ही ज़रूरत है. सारी चीज़ें अब हमें बस खाली मिक्स करनी है, ग्राइंड एंड देन वी जस्ट गोना मेक सम बॉल्स. और ये एक्चुअली बनने के बाद मैंने इसके अंदर, मतलब सारा जब कुछ पीस लिया उसके अंदर, इसमें थोड़ी सी क्रैनबेरीज ऐड कर दी ताकि थोड़ा सा खट्टा चॉकलेटी डार्क चॉकलेटी टेस्ट आए. बिकॉज आई लव क्रैनबेरीज, मुझे सारी बेरीज ही पसंद है. बट यस, अब ज़्यादा साइज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाली, बस रैंडम जैसे भी राउंड शेप दे सकूँ मैं, अब मेरी कोशिश से मैं वो करने लगी हूँ. और यहाँ पर एक्चुअली वेदर थोड़ा ठंडा है तो इतना ज़्यादा फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट आई थिंक मैं थोड़ी देर इसको बिना हीटर के, घर अभी ऐसे भी हीटर बंद करके जाऊँगी तो बिना हीटर के ये अपने आप ही सेट हो जाएंगे. तो जैसा कि आपने देखा है मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगे बेसिकली सब कुछ करके, ग्राइंड सारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके ग्राइंड करके और बस उनके आपको बॉल शेप में या बार शेप में जैसा भी आपको ठीक लगे आपको बनाने होते हैं. एंड दोज आर लाइक प्रोटीन इम्पैक्ट, मतलब इतना ज़्यादा इसमें प्रोटीन रहता है कि आई रिमेंबर वी वेंट फॉर अ स्नो ट्रिप, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी अनफॉर्चुनेटली, बट इस बार अगर मैं स्नो ट्रिप पर गई तो आप लोगों को ज़रूर 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 साथ में लेके चलूँगी. तो जब हम लोग स्नो ट्रिप पे गए थे एंड आई वाज ऑन अ डाइट तो मैं ये प्रोटीन बॉल्स बना के लेके गई थी. और जब भी हम लोग कभी भी हॉलीडेज़ पे जाते हैं आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरे पास अपने प्रोटीन बॉल्स ज़रूर हों, क्योंकि जब आप हॉलीडेज़ पे होते हो ना, ना ब्लेंडर होता ना कुछ और, तो प्रोटीन शेक तो आप पी नहीं सकते. सो बेसिकली नट्स एंड प्रोटीन पाउडर का इतना अच्छा इंटेक करने का जो ये तरीका है, इससे बेटर कुछ और हो नहीं सकता. सो आई थिंक दैट्स मोस्ट ईजिएस्ट क्विकेस्ट, और आप आराम से इसको पैक करके अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो, लॉन्ग ड्राइव पे कहीं पे भी. तो हम बहुत हो गए चिट चैट, जल्दी से चलते हैं, मेरी फ्रेंड एक्चुअली वेट कर रही है. तो आई एम गोइंग फॉर अ कॉफ़ी. और नव्या, आप सोच रहे होगे कहाँ है नव्या, है अपने चाइल्ड केयर में, आज उसकी मम्मा बना रही है छुट्टी. और फिर आपको शाम को मैं नव्या से भी ज़रूर मिलाऊंगी. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो. तो एक्चुअली मैं आ गई थी घर पर और उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था घर पे तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाई. बट अब हो गई है शाम, बज गए हैं 4, तो अब चलते हैं नव्या को जाके जल्दी से पिकअप करते हैं. और नव्या को पिकअप करने के बाद एक्चुअली जाना था मेडिकल सेंटर जस्ट फॉर अ फ्लू शॉट. तो चलते हैं और जाके नव्या को पिकअप करने के बाद उसे ज़रा इंजेक्शन भी लगवाते हैं. पहले
हेलो तो बोलो फ्रेंड्स को, हाय, हाउ वाज योर डे? गुड 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 गुड, लेट्स गो. व्हाट नव्या, यू वांट दिस वन और नो? या यू वांट मी टू ओपन? या वेट, दैट्स नव्यास फेवरेट ओरियो बिस्किट चॉकलेट. Are you excited for NG? I'm scared. You scared? Yeah. Don't be. Let's go. Are you ready for NG? Bongo bongo. Nothing will happen. Don't worry. First, Mama will. Bongo bongo bongo. Oh, you just this. I'm not scared of NG now. You're not scared? No. और तभी जब लगेगा ना तो पता लगेगा हाउ स्कैर्ड यू आर. यू आर नॉट स्कैर्ड? सच्ची? तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं. आर यू स्ट्रॉन्ग? शो मी. ओह, इधर आ, इधर आके दिखा. ओ माय गॉड, ओ यह, यू आर स्ट्रॉन्ग. हाई फाइव. व्हाट यू सेइंग? Take me to the beach and take me to the... Oh, mommy, can you take me? Can you get the makeup toy and can you take me there? Just because you're doing a flu shot? Yeah. Wow, Navya. First you go and then I'll wait for you to me. You don't want to go first? You go first. Mommy, you go first. Okay. And then me. तुम डॉक्टर के वहाँ क्या कह रही थी? Mama is so nice. What you were saying? Tell me. I want the makeup toy. Thank you. And thanks to meet me. Thanks to meet you. Why? This photos are very nice. You really liking the beach, huh? I like this. This is green. This is green and this is blue. All right, sweetie. And this is green, like that. It's for you, Navya. You're so brave. Can you see that? Oh yeah. Look at that. I seen this one already. Oh, you have it home. No. You can take this one as well, Navya. And if mom says yes, you've got a ring volley. Oh, wow. Now, would you like those? Now, would you like to take your arm out of your sleeve? So what you have to do is just pull it out. Good girl. And just leave it out just like that. Good girl. Now, what I might even do, can I pick you up and we'll just sit you just here. Because you're very, there you go. You can hold those. Yeah. And I'm going to come around. Is that the candy one? Yes, Navya. All right. I want you to be super brave, okay? And you can't move. This is going to tell me if you're clean or dirty. Do you think you're clean or dirty? Yeah. Okay, let's do the test. Ready? All right. Let's see. Are we... We're clean! Well done! All right. Now, you're going to be super brave, aren't you? Yes, she is strong. See? This is... I'm not going to do anything. Look, see? Can you feel it? It tickles, doesn't it? It just tickles. Yeah, see, it doesn't hurt at all, does it? No. Wow, Navya, lolly, papa. Ready? I'll show you what it feels like. Ready? Doesn't hurt, does it? It tickles. Smile. See? Okay. 1, 2, 3. All done. Done. You're such all a done. Brave, Navya. High five. High five. Well done. Oh, Navya. There you go, put your arm back in. Well say done. Thank you. Say thank you. Woo-hoo. Say thank you. There you go, you can take your little treats home. You. Well done. What do you say? Thank you. You're welcome. So we are back at home and Navya did wonderful job. Huh, Navya? You were so good. Huh? तो आ गए हम लोग घर पर इसकी फ्लू शॉट लगा के नव्या की, और मैंने भी फ्लू शॉट लगवाया. और मैं सच बता रही हूँ, इसका ये आई थिंक नव्या का पहला ही फ्लू शॉट है. इसको मैंने कोई भी सीजन पे नहीं लगवाया,
पर उसने इतने अच्छे से लगवाया कि मतलब वो नर्स भी बोल रही थी उधर कि क्या क्यूट है, कि मतलब बिल्कुल भी नहीं रोई है। पता नहीं यार, शायद ये ब्रेव है कि क्या है, बट आई एम सो ग्लैड नवे डिडंट इवन क्राई अ लिटिल बिट। हाँ, एंड शी डिड इट सो नाइसली। और एक्चुअली वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, तो उन लोगों ने इसको दी एक प्यारी सी, उन्होंने नव्या को दी एक प्यारी सी लॉली रिंग एंड बबल। ये तो यही देख के खुश हो गई कि आ ये मिल रहा है मुझे। बाकी के गिफ्ट तो वो मुझसे मांग ही चुकी थी वहाँ पे बैठी बैठी। मम्मा बीच पे ले जाओगी मुझे, जेनी एमा वाला मेकअप दिलाओगे, और मतलब सारी अपनी ख्वाहिशें उधर बैठी बैठी पूरी कर दी कि अगर मैं ये इंजेक्शन लगवा लूँ बिना रोए तो मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो मतलब नव्या ना टू मच। बट अब इसका वही था कि 15 मिनट वहाँ पे हमें वेट करना था, तो इट वाज ऑल गुड, अच्छे से हो गया। ओके, आई विल नॉट डू दैट। ओके नव्या, नाउ व्हाट यू वांट टू ईट? ओहो, खाने में क्या खाओगी? राइस। राइस खाना है? ओके, आई मेक राइस। खिचड़ी खाना है कि राइस खाना है? खिचड़ी। खिचड़ी खाएगा? भैया आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन गई है, खिचड़ी खाएगी। मैंने उसको पिज़्ज़ा भी ऑफर किया, बट शी वॉज लाइक ना घर जाके राइस खाना है। तो एक दिन होते हैं जब नव्या बिल्कुल ऐसा लगता आए, मतलब बिल्कुल परेशान नहीं करती। तो अब मुझे लगता है आज का ब्लॉग मैं करती हूँ खत्म। मुझे पता है छोटा सा स्वीट सा ब्लॉग था। आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड यू नो व्हाट टू डू, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।